अस्सलामु अलैकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली के ईद का सेकंड डे भी सबका बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा, घूमना होगा आज तो सबने, क्योंकि फर्स्ट डे पे मेहमान आ रहे होते हैं और ईद मिलने के लिए एक दूसरे के घर जा रहे होते हैं, तो घर में ही अमूमन सबका फर्स्ट डे गुजरता है। आज सेकंड डे है तो आज के दिन सब लोग बाहर जाते हैं। तो गाइज, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने मुन्नू को आज क्या डालूँ। व्हाइट वाला सूट डालना चाहिए मुझे, या मुझे सूट के साथ इसकी खेड़ी, मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी सी खेड़ी, कितनी प्यारी सी है। तो ये पड़ी पड़ी ना, बस इससे ये देखें मुझे, और मुझे कंफर्ट नहीं है ये तो, भी इसको आप पूरी भी नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़े की बनी हुई है। ये देखें छोटी सी, माशाल्लाह। और ये वाला ड्रेस है, इससे येलो वाले सैंडल अच्छे लगेंगे। और ये वाली वेस्ट कोट है, अब इसके साइज़ की ना वेस्ट कोट मिलती नहीं गाइस, तो बनवानी पड़ेगी ऑर्डर पे। तो अभी मैं डालती भी नहीं, क्योंकि वेस्ट कोट में पूरा सूट छुप जाता है, छोटू नन्नूशा तो है भी। तो गाइस, ये वाला व्हाइट सूट का सिलाई करवाया था, और कल बाबा के साथ कैसे पहना था वो आपसे शेयर नहीं कर सकी, पिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और व्लॉग तो मतलब बना नहीं सके, चेंज के लिए था और ठंड लग गई थी। अब बताया था कि ये दूध की उल्टी कर रहा था बार बार, तो इसलिए इसके कपड़े रहते ख़राब, तो मैंने आपसे शेयर नहीं किया। ये है इसका व्हाइट सूट गाइस, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको व्हाइट सूट डालूँ या ये डालूँ। तो कमेंट्स में प्लीज़ जल्दी से बताएं कि मुझे मुन्ने को क्या डालना चाहिए। तो गाइस, आज के व्लॉग भी बहुत मज़े का होने वाला है। आज एक छोटे से बर्थडे भी है इसके भैया की, वो भी अटेंड करनी है शाम में हमने, और अभी घूमने भी जाएंगे, तो सब आपसे शेयर करेंगे। इस तरह से बने रहिएगा, और जो है ना गाइस, आपकी सपोर्ट जो है मुझे अच्छा लगा, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह से सपोर्ट करते रहे। और मैं सामने अभी नहीं आ रही, क्योंकि मैं मौसी हालत में हूँ, और आज सुबह से मौसी बन के घर का काम कर रही हूँ, क्योंकि पिछले 3 दिन से मौसी है छुट्टी पे, और मुन्नू जो है वो ये लेटा हुआ है नंगी हालत में, और इसकी हालत देखें, अभी ये सो के उठा है। अब इसको फ्रेश करती हूँ, तो इसकी लुक भी शेयर करती हूँ। तब तक के लिए बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईद मुबारक सबको। ये देखें, ये मेरा मुन्नू गया था अभी नेबर्स के घर, ईदी इसने पकड़ी हुई है। हाँ, कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे? कहाँ? मेरा मुन्नू अभी खेल रहा है, मैं भी अपनी लुक आपसे शेयर करता हूँ, मिरर में कर लेता हूँ। आज मैंने काफ़ी अरसे बाद पैंट शर्ट पहनी है, बताइएगा कैसे लगी पैंट शर्ट। हेयर बैंड भी पहना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, अभी हम जा रहे हैं घूमने, साथ वाले कराची वाले, उनके घर से बिरयानी आई थी, बिरयानी थोड़ी सी खाऊंगा, फिर देखते हैं, चलते हैं बाहर, फिर आपसे गपशप लगाते हैं। वेलकम गाइस, वेलकम बैक इन अदर ब्लॉग गाइस। तो एक बार फिर से आ गई मैं वापस, सुबह से हुई थी गाइस, मैंने आपको मेरी वॉइस आई थी, मेरी आवाज़ तो आप लोगों को सुनाई दे रही हो गाइस। तो मैंने यहाँ पे पहन लिया है ये वाला जोड़ा आज, और ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है पहना हुआ। बाल जो है कल का आयरन हुए हैं, तो अभी तो ज़रूरत नहीं है, और नेल पेंट मैंने अभी अभी फ्रेश लगाया ये वाला गाइस, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इस सूट के साथ। और मैंने लगाई है फ्रेश रोज़ पिंक कलर में लिपस्टिक लगाई है गाइस, तो ये देख सकते हैं। मेकअवर भी देखें हैं मेरा लाइनर, मेकअप की जो है ना ट्रिक्स इंशाल्लाह शेयर करूँगी आने वाले ब्लॉग्स में। और बेबी रेडी हो गया, बेबी को मैंने सैंडल डाल दिए थे मैचिंग साथ में, तो वो बिल्कुल भी सूट उसको बहुत करे थे, सॉरी गाइस, लेकिन उसका पाँव जो है वो सैंडल से बाहर आ रहा था, तो वो मैंने उसके उतार दिया, मतलब मैं जॉगर पहना दूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी दोबारा से देखती हूँ सैंडल किस तरह से पहनाऊंगी, इन रस्ते में गिर जाए इसके सैंडल। तो अभी इसने अपने लुक शेयर कर चुके हैं आपसे, और मेरा नेल पेंट ड्राई होता है, फिर पहनूंगी जूता। जूता मैं कल वाला ब्लैक ही पहन रही हूँ, यार इतना महंगा जूता लिया तो पैसे तो पूरे करूँगा। तो गाइज निकलते हैं हम लोग, बस नेल पेंट ड्राई हो गया अभी लगाया। तो गाइज ये वाला नेल पेंट कैसा लग रहा है मुझे, और आज मैं अच्छी लग रही हूँ या कल? अभी तक ज्वेलरी मैंने नहीं पहनी, वो भी पहनती हूँ। बालों का क्या करना है वो भी बताती हूँ, तो तब तक के लिए बाय। तो फाइनली मैं हो गई रेडी, और मैंने हेयर स्टाइल ये वाला बना लिया, ये मुझे अच्छा लग रहा है। साथ में मैंने इसकी मैचिंग झुमकी डाली थी गाइस, पर वो टिक ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, तो मैंने ये वाला डाल लिया, वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्या करूँ। तो गाइस रिंग, रिंग्स तो मैंने डाली नहीं है, मेरे पर्स में वो भी डाल लेती हूँ गाइस। मैंने साथ में आज कुछ भी वॉच नहीं, सिर्फ ये कड़े डाले हैं, ये मेरे कड़े बहुत मॉस्ट फेवरेट कड़े हैं, मुझे अभी जानने दिए थे गिफ्ट। और गाइस मैं हो गई रेडी, और मेरा ये जोड़ा देखें कितना अच्छा लग रहा है, अभी जाने पूरी लुक भी दिखाते हैं आपको। अब बेबी का प्रॉब्लम आपसे शेयर करती हूँ, सैंडल इतने शौक से हम लेके हैं, अभी बेबी हमारा छोटा है, तो ये जो है ना इसका पाँव यहाँ से जो है ना वो बाहर निकल आता है। तो अभी हबीजन बोल रहे हैं सैंडल इतने सूट करने थे, बट पत क्या करें यार, अभी देखें मुन्नू को, अब सोच रहे हैं कि जोगर डाल दें साथ में, पर जोगर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, ज़्यादा पाँव निकल के बाहर, पाँव से उतर रहे हैं ना, एक बार गिरते तो नहीं है ना, गिरते तो नहीं ना, फिर डाल दें, कितने अच्छे हैं यार गाइस। इसको हम डालते हैं फिर जोगर साथ में, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगने वाले, और ये सैंडल इसको, यार मैं कितनी गलत बात है। तो चलिए गाइस को बोलते हैं कि हम लोग मिलते हैं फिर आपको जू जाके, तब तक के लिए ब
बाय। जी गाइस, मेरी फाइनल लुक मेरी जो फाइनल लुक फाइनली करी फाइनल लुक गाइस मेरी, और जूते देखे ये भी डाले, अच्छे लग रहे हैं इसके साथ। और दुपट्टा मेरा देखेंगे बहुत जबरदस्त सूट है मेरा, और मैं इसका दुपट्टा बहुत कैसे संभाली चाहते हैं अपनी चाहते हैं। तो गाइस मैं कैसे लग रही हूँ मुझे बताइएगा कमेंट्स में, कि मेरा आज का ड्रेस अच्छा है या कलर ज़्यादा अच्छा था, मेरी लुक अच्छी लग रही है या कल अच्छी लग रही है। अभी हम निकलते हैं, मिलते हैं फिर आपको, बाय जाते तब तक के लिए बाय। गाइस तो हम लोग अभी निकल चुके हैं, और वहाँ पहुँच के फिर हम वहाँ का व्लॉग आप लोग शेयर करते हैं। गाइस तो अभी जाने मेरे ब्लैक वाले क्लासेस लोग देते हैं हर वक्त, अभी ये वाली सिर्फ मैचिंग ग्रुप में ये वाली क्लासेस लगानी है, और बेबी का बेड पकड़ लिया ये देखें, और बोरे अभी जान बेबी को, बेबी जो है वो सो गया। फिर क्या उतार दिया आपने इसकी, उतर गई थी बना दे, टिकती क्यों नहीं है, फिटिंग तो की है इसकी गाइस, इसकी चीज़ें पूरी भी नहीं मिलती हमें साइज़ की, तो वो थोड़ा फिटिंग की थी उसकी, तो चले मिलते हैं गाइस फिर। मैं गाइस हम जा रहे हैं इस टाइम चक शहजाद से। जी गाइस तो ये चक शहजाद है, यहाँ पे सारे फार्म हाउसेस वगैरह हैं, और यहाँ पे लोग मारते हैं चिल, और चिल मारने के लोगों ने यहाँ पे फार्म हाउसेस बनाए हैं। इंशाल्लाह एक दिन हम लोग भी ज़रूर बनाएंगे, और मुशर्रफ साहब जो दुनिया में भी नहीं रहे उनका फार्म हाउस भी साइड पे ना, अभी आगे वो आने वाला है तो वो भी आपको दिखाते हैं गाइस। तो हम लोग रस्ते में हैं, यहाँ देखें बहुत पुरसकून माहौल है, यहाँ पे कोई शोर नहीं है, बड़ा सुकून होता है यहाँ पे आके। तो फिर मुशर्रफ साहब का फार्म हाउस दिखाते हैं गाइस, इस बने रहिए ऐसे ही है। यहाँ पे लोगों ने इस सुकून के लिए देखे ना फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं, अपना इधर ही मतलब वेजिटेबल्स वगैरह उगा लेते हैं, और सारी चीज़ें मतलब इधर ही होती हैं उनकी, वीकेंड इधर गुजारने आते हैं ऐसे ही, ऐसे वीकेंड के लिए जस्ट इधर आते हैं। बाकी यहाँ पे मेजोरिटी लोग जो उनसे ना मेजोरिटी लोग ठीक है वो वीकेंड्स पे ही आते हैं, यहाँ पे जस्ट उनके जो काम वाले होते हैं वो ही रहते हैं ज़्यादातर। तो सुकून वाला इलाका है यहाँ पे, अगर मैं इस्लामाबाद में रेकमेंड करूँगा अगर कहीं पे सुकून है, खामोशी है और साफ़ सुथरा माहौल है, तो वो चक शहजाद के फार्म हाउसेज हैं। गाइस ये है मुशर्रफ साहब का फार्म हाउस, मुशर्रफ साहब का फार्म हाउस आपको ये जो है ना, यहाँ पे उनको नज़रबंद किया गया था ठीक है, ये उन्हीं के फार्म हाउस में, ये अभी तक बम प्रूफ वॉल्स लगी हुई है यहाँ पे, ये सारा उन्हीं का फार्म हाउस है, और बिल्कुल मेन रोड पे है, पार्क भी रोड जो है वहाँ पे इंटर होंगे इधर चक शहजाद फार्म हाउस में, फर्स्ट फ्लोर के सेकेंड फार्म हाउस उन्हीं का, आप वहाँ से इंटर होते हुए आपकी लेफ्ट साइड पे आएगा, यहाँ से जाते हुए राइट साइड पे आएगा। गाइस हम पहुंच आए हैं जू में, गाइस पहुंच तो आए लेकिन एक चीज बैठ गई, हम लोग बहुत लेट हो गए हैं हमेशा की तरह, और यहाँ पे टिकट्स बंद कर रहे हैं वो लोग, क्लोज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रश है जू है, और रश इतना ज्यादा है कि वो टिकट्स जो है देना बंद कर रहे हैं, तो ये बहुत बैड हो जाएगा हमारे साथ गाइस, हमेशा जो है ना हमारा लेट होना जो है ना हमें, अभी देखते हैं टिकट मिलते हैं कि नहीं। तो ये रही टिकट्स, मिल गई यहू, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर गाइस, और मुन्नू जो है वो बहुत, जरा मुन्नू को दिखा दे, ओले इसको देखो, बाबा को देख खुश हो रहे हैं, चले बहुत लेट हो रहा, चले 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 चले। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर रही टिकट्स, और यहाँ पे हम करवाएंगे टिकट चेक, और यहाँ पे रश आप देख सकते हैं, ये फैमिलीज वगैरह आई हुई हैं, ये सारा जू है, ये जू बहुत साफ सुथरा और बहुत पुरसकून ये है। तो ये इन्होंने इस साइड पे ये क्या लगा दिया इब्राहिम, ऐसे किरण आपका फायदा ये होगा कि हमें टिकट जल्दी मिल जाएगा, मेरा फायदा तो हमेशा होता है गाइस, ये देखें यहाँ पे इन्होंने, सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, तो ये भी कुछ जू का हिस्सा है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखें, हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे, छीछी हो रही है छीछी गाइस, हबीजन कहाँ चलेगी अपनी बेगम जान को छोड़ के, उन्हें कोई परवाह नहीं है, अब मैं कहाँ ढूंढूंगी, वो खड़े हैं जाके, और गाइस काफ़ी रश है क्योंकि सेकंड थर्ड डे फोर्थ डे ईद का रश ज़्यादा होता है, क्योंकि अमूमन लोग जो है फर्स्ट डे घर पर ही गुजारते हैं, तो ये देखें गाइस यहाँ पे यशी हो रही है, यशी टाइम शॉर्ट है गाइस, तो हम जल्दी जल्दी आगे निकल जाएंगे, अभी जान चले आगे, बस इतना टाइम नहीं है, अभी जान चले
बस देख लिया ना, आगे फिर वो लेट हो जाएगा ज्यादा। तो गाइस अभी आगे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, टाइम शॉर्ट है तो शॉर्ट शॉर्ट बस जल्दी जल्दी दिखाएंगे। हमें मगरिब से पहले यहाँ से मूव करना क्योंकि बेबी छोटा है।